यूरोप दौरे में जर्मनी पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत हुआ। जर्मनी में रह रहे भारतीयों ने पीएम मोदी के स्वागत में कोई कसर नहीं छोड़ी। जर्मनी की राजधानी बर्लिन में मोदी मोदी के नारे भी लगे। चार तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बच्चों के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने बात की। बर्लिन में पीएम मोदी के लिए ढोल भी बजाए गए और जर्मनी में पीएम मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। वहीं जर्मनी में भारतीय मूल के लोगों के बीच पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कई बातें कही। पीएम ने कहा कि जब भी मानवता के सामने कोई संकट आता है, भारत समाधान लेकर आता है। यही नया भारत है, यही नए भारत की ताकत है। साथियों, जब भी मानवता के सामने कोई संकट आता है तो भारत सॉल्यूशन के साथ सामने आता है। जो संकट लेके आते हैं, संकट उनको मुबारक, सॉल्यूशन लेकर के हम आते हैं, दुनिया का छाया छायाकार हो जाता है। यही दोस्तों, यही नया भारत है, यही नए भारत की ताकत है। हम देश के लोगों के जीवन से सरकार का दबाव भी हटा रहे हैं और सरकार का बेवजह का दखल भी समाप्त कर रहे हैं। हम रिफॉर्म करते हुए देश को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। रिफॉर्म के लिए पॉलिटिकल विल चाहिए, परफॉर्म के लिए गवर्नमेंट मशीनरी का एस्टैब्लिशमेंट चाहिए और रिफॉर्म के लिए जनता जनार्दन की भागीदारी चाहिए और तब जाकर के रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म की गाड़ी आगे बढ़ती है। 21वीं सदी के तीसरे दशक की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि आज इंडिया इज गोइंग ग्लोबल। कोरोना के इसी काल में भारत ने 150 से ज्यादा देशों को जरूरी दवाइयां भेजकर अनेकों जिंदगियां बचाने में मदद की। जब भारत को कोविड के वैक्सीन बनाने में सफलता मिली तो हमने अपनी वैक्सीन से करीब 100 देशों की मदद की है दोस्तों। और यूरोप दौरे में जर्मनी का पहला पड़ाव पीएम मोदी के लिए बेहद खास रहा। यहाँ पीएम मोदी के स्वागत के लिए भारतीय मूल के लोगों ने पूरे शहर को सजा दिया। प्रधानमंत्री ने वहां पर प्रवासी भारतीयों से मुलाकात की और दुनिया में बढ़ती भारत की ताकत में उनके योगदान के लिए उनका शुक्रिया भी अदा किया। बर्लिन में बजा प्रधानमंत्री मोदी के नाम का डंका। स्वागत के लिए उमड़े प्रवासी भारतीय।